मैं बोल रही हूँ मुसलमानों को बाहर आके नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? आपने कहीं हिंदुओं को देखा है कि कहीं बीच सड़क में बैठ के कोई घंटी बजा रहा हो और जय श्री राम बोल रहा हो? कोई आपको बैठा नहीं मिलेगा। ये सड़क पे ही नमाज पढ़ूंगा, ये क्या जिद है इन लोगों की? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड मुल्ला है, ये मुल्ला पट्टी ही ऐसी पढ़ाते हैं कि अरे हमारा राज चलता है, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। ये मुल्लाओं का किया धरा है जो आज मुसलमान को, आम मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है। ये मुल्लाओं ने कहा बैठ जाइए कहीं भी, पढ़ लीजिए नमाज। आपको वहाँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ के मंदिर से प्रॉब्लम है। आप हमारे श्री राम जी का मंदिर बना, हाँ, उससे प्रॉब्लम हो गई आपको। और गले किसने लगाया हुआ है? 80% अगर हिंदू भाई हैं और 20% मुसलमान हैं, तो ये 20% वालों को गले किसने लगाया हुआ है? 80% वालों ने ना। 500 साल बाद तो हिंदू भाई मेरे मंदिर ले पाए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? जो भी भिख मंगे हैं वहाँ पर बता दें, हम यहीं से खाना भिजवा दिया करेंगे। हमारे भारत की बातों में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है उनको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, मजहब के नाम पर रास्ते को रोकना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस छोटी सी बात को समझते नहीं है और मजहब का कार्ड खेलते हुए सड़कों पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ दिल्ली में बीते कुछ दिनों में हुआ था और इस घटना में मुस्लिम को सड़क पर नमाज पढ़ते हुए टाइम पुलिस ने उन सभी मुस्लिम्स को उठा दिया और इस घटना पर काफी हल्ला भी हुआ था। तो दोस्तों, खबर 99 के पत्रकार ने जब शबनम खान से ये पूछा कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ना सही है या गलत, तो इस पर शबनम खान ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। वो इबादत कर रहे हैं या फिर कुछ अलग ही चीज कोशिश कर रहे थे? नहीं, देखिए, नमाज पढ़ना सड़कों पे मना ही है आजकल कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना। और वैसे भी सड़कों पे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे लिए मस्जिद बनी हुई है, हमारे घर है, वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है आराम से। आपने कहीं हिंदुओं को देखा है कि कहीं बीच सड़क में बैठ के कोई घंटी बजा रहा हो और जय श्री राम बोल रहा हो? कोई आपको बैठा नहीं मिलेगा। सब या तो मंदिर में जाएंगे या जहां अपने घरों में सब पूजा पाठ करते हैं। पर मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन्हें अपनी चीजों को सुधारने की तरफ नहीं जाना है, ये सुधरना ही नहीं चाहते हैं। जब हमारे देश का कानून कह रहा है कि प्लीज सड़कें जाम मत करिए, आवाजाही में तकलीफ होती है, बहुत सारे मरीज बीमार लोग नहीं जा पाते हैं, तो आप जुम्मा हो या जुमेरात हो, नमाज तो नमाज है। जुम्मे की नमाज भी ऐसी है, जुमेरात की नमाज भी ऐसी है, मीन्स थर्सडे हो या फ्राइडे हो, नमाज तो एक ही समान है ना। तो फ्राइडे का नाम लेके आप पूरा सड़कों पर निकल आएंगे कि भाई आज फ्राइडे है, फ्राइडे हो या सैटरडे हो, नमाज आप घरों में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि मस्जिदों में जो है हट धर्मिता करने की जरूरत है। ये सड़क पे ही नमाज पढ़ूंगा, ये क्या जिद है इन लोगों की? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड मुल्ला है, ये मुल्ला पट्टी ही ऐसी पढ़ाते हैं कि अरे हमारा राज चलता है, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। ये मुल्लाओं का किया धरा है जो आज मुसलमान को, आम मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है। ओवैसी साहब का कहना है कि देखिए, सऊदी अरबिया में तो मंदिर बन रहा है जहाँ पे हिंदू है ही नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर है, और जहाँ पे मुसलमान है वहाँ उनको पुलिस से पिटवाया जा रहा है। एक बात बताइए, क्या पुलिस गूंगी बहरी है, अंधी है, उसको दिखाई नहीं देता? आपको वहाँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ के मंदिर से प्रॉब्लम है। आप हमारे श्री राम जी का मंदिर बना, हाँ, उससे प्रॉब्लम हो गई आपको। आप अभी एक कांग्रेसी प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में थे, उनको घंटी बजाने से भी प्रॉब्लम थी कि ये तो हिंदू घंटी बजाते हैं, वो खुद हिंदू हैं, आप सोच कर देखिए। तो इनके बारे में ना बात ही करना बेकार है। ओवैसी जी को तो मुस्लिम्स की वोट चाहिए, इसलिए मुसलमानों को चाहे सड़क पे नमाज पढ़वाना पड़े, चाहे मुसलमानों को चोरी करके आ जाए बचाने की तरफ जाना पड़े, या पंचरबाज पत्थरबाज जो मुसलमान बन के रह गया है, वो ऐसे नेताओं की वजह से ही तो पंचरबाज और पत्थरबाज बन के रह गया है, वरना आज मुस्लिम आईएएस आईपीएस होता। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आप देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों की दशा बदल रही है। कश्मीर का सबसे बड़ा उदाहरण है, अभी दो दिन पहले आपने देखा होगा कश्मीर का एक एक व्यक्ति बोल रहा है कि जय मोदी जी की। जब से 370 और 35 से हटी है, तब से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है। मतलब मुसलमान अगर अच्छी दिशा में जाना चाहता है तो ओवैसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होती है। और इस्लाम धर्म नहीं कहता सड़क पे पढ़ने को नमाज। ये मुल्लाओं ने कहा बैठ जाइए कहीं भी, पढ़ लीजिए नमाज, नहीं है, वैलिड ही नहीं है। इस तरह से किसी और को परेशान करके नमाज पढ़ना इस्लाम इजाजत नहीं देता। पता नहीं, धर्म निरपेक्षता खतरे में आ गया है, अब धर्म निरपेक्षता बचा ही नहीं। धर्म निरपेक्षता खतरे में आई है, इसके लिए भारत जाना जाता है। आज मुसलमान जितना सेफ है, आज मुसलमान जितना प्राउड से जीता है, आज मुसलमान जितना ऐश कर रहा है, मैं बोलती हूँ कि अल्पसंख्यक कह कहकर बहुसंख्यक डरते हैं। हिंदू भाई डरते हैं बेचारे कुछ कहने में, जबकि वो ज्यादा मात्रा में है। और गले किसने लगाया हुआ है? 80% अगर हिंदू भाई हैं और 20% मुसलमान हैं, तो ये 20% वालों को गले किसने लगाया हुआ है? 80% वालों ने ना।
यानी हमारे हिंदू भाइयों का दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्टेड है, वो अपनी चीजों के लिए लड़ते भी नहीं थे। 500 साल बाद तो हिंदू भाई मेरे मंदिर ले पाए, आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो लड़ते भी नहीं है किसी से। कानून का खौफ इतना ज्यादा हो गया कि लोग अब इबादत नहीं कर पा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सड़कों की चीज नहीं है भाई, कहीं कुरान शरीफ में नहीं लिखा आप सड़क पे बैठिए, कहीं इस्लाम धर्म में नहीं लिखा कि आप सड़कें जाम करिए, नहीं लिखा। तो आप और हम कुरान से अलग कैसे जा सकते हैं? मैं उवैसी की बात मानूं या मैं अपने कुरान शरीफ की बात मानूं, मैं उस मुल्ला की बात मानूं जिसने बरसों बरस शोषण किया है मुसलमानों का। आपके कहने का मतलब इंद्रलोक में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो गलत थे उस जगह? बिल्कुल गलत है, नहीं पढ़नी चाहिए। फिर वीडियो पाकिस्तान में भी धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है और वहाँ कहा जा रहा है कि जो भाई हमारे जो बहन हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई बहन सेफ नहीं है उनके लिए पाकिस्तान का द्वार खुला हुआ है, वो कभी भी आ सकते हैं। पाकिस्तानी तटपुंजियों को भोंकने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को बताइए कहना हम अकेले ही रख लेंगे तुम्हारे पूरे पाकिस्तान को। अपने जो उनका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, गधे घोड़े बेच बेच के तो प्राइम मिनिस्टर का अपना ऑफिस चला रहा है, बातें कर रहे हिंदुस्तानियों को रख लेंगे। मैं पाकिस्तान को आपके माध्यम से एक संदेश दे रही हूँ, जो भी भिकमंगे हैं वहाँ पर बता दें हम यहीं से खाना भिजवा दिया करेंगे, हमारे भारत की बातों में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है उनको। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर यदि वो मामला जो यहाँ दिल्ली में हुआ अगर वही मामला यूपी में होता तो पुलिस पे कोई कार्रवाई ही नहीं होती, योगी जी के राज्य में तो बिल्कुल अलग दिशा में चलता है कानून। कानून व्यवस्था मैं देख कर आई हूँ खुद अपनी आंखों से, हर एक के लिए समान है कानून, हर एक की मदद करता है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। जब योगी जी खाना देते हैं तो क्या वो हिंदू मुस्लिम देख के देते हैं? जब योगी जी आवास विकास जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है क्या वो हिंदू मुस्लिम देख के देते हैं? नहीं ना। तो इनको विपक्षियों को तो कुछ और बचा नहीं है, क्योंकि अब इन सब की तो मुश्कें कस दी गई हैं, जनता ने कसी है इनकी मुश्कें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जनता आशा भरी नजरों से देखती है। बात तो सही है। दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो वायरल होते हैं जिसमें कुछ लोग कहीं पर भी बैठकर स्टार्ट हो जाते हैं और बिना ये सोचे कि इससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं होगी। और शुक्रवार के दिन तो आपको मालूम ही है कि घंटों घंटों का जाम लग जाता था पहले शहरों में, लेकिन इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि इनकी वजह से आम जनता कितनी परेशान हो रही है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि जब भी इन लोगों से ये बात पूछी जाती है कि आप सड़कों पर ये सब क्यों करते हैं तो ये हिंदुओं से कंपेयर जरूर करते हैं और एक बात जरूर बोलते हैं कि मस्जिदों में जगह नहीं होती इसलिए हमें सड़कों पर पड़नी पड़ती है। लेकिन दोस्तों ये सब कहने की बातें हैं। पहली बात तो ये कि यदि जगह नहीं है तो इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो, और दूसरी बात ये कि मस्जिदों में अजान का टाइम सेम नहीं होता, कुछ आगे पीछे होता है ताकि जो लोग नमाज ना पढ़ पाए हों वो पास वाली मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लें। लेकिन दोस्तों इन लोगों के पैर दूसरी मस्जिद तक जाने में टूट जाते हैं और ये इस कदर अपने अल्लाह को खुश करने में लग जाते हैं चाहे वो रोड पर गंदगी में ही बैठे हो, इस चीज से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जबकि इबादत साफ सुथरी जगह की जानी चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात ये हिंदुओं से कंपेयर जरूर करते हैं और कहते हैं कि हिंदू भी तो शोभा यात्रा निकालते हैं जैसे कि कावड़, दुर्गा पूजा, रामनवमी। तो उन भाइयों के लिए बता दूं कि पहली बात तो ये कि हिंदू महीने में 20 बार सड़कों पर नहीं निकलता, और दूसरी बात ये जब भी ऐसी शोभा यात्राएं निकलती हैं तो पहले सरकार से परमिशन ली जाती है, फिर उसका एक रूट मैप तैयार किया जाता है और फिर वो शोभा यात्रा निकलती है, ना कि आपकी तरह बिन बताए सड़क को ब्लॉक करते हैं और आम जनता को परेशान करते हैं। और दोस्तों शबनम खान को तो आपने सुन ही लिया, जैसा कि शबनम खान ने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप किसी का रास्ता रोककर अपना काम करें। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।